हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है इलेक्ट्रिकल का जो ड्रॉइंग होता है उसका सिंबल है। यानी इलेक्ट्रिकल में जितना भी ड्रॉइंग यूज़ किया जाता है, जो इक्विपमेंट होता है, जितना भी हम लोग कंट्रोल का वायरिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें जो है कुछ सिंबल रहता है, जिसे देख के हम लोग को पहचानना होता है कि वो जो सिंबल है किस चीज़ का है। तो ये सब जो है अगर आप लोग को पता रहेगा तो कंट्रोल वायरिंग करने में आप लोग को, या ड्राइंग जो होता है उसको समझने में बहुत ही आसानी होता है। तो कहीं भी अगर आप लोग इंटरव्यू वगैरह में भी जाते हैं या ड्राइंग आप लोग को देखना होता है, तो ये सिंबल आप लोग को पता रहेगा तो आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं, किसी भी ड्राइंग को समझ सकते हैं कि कौन सा इक्विपमेंट है और उसमें जो है वायरिंग जो है कैसे हुआ है, कैसे जो है पूरा कनेक्शन हुआ है आप लोग समझ सकते हैं। तो वही चीज़ जो है मैं आप लोग को ये ड्राइंग से बताने वाला हूँ। ये ड्राइंग में जितना भी सिंबल है उसको बताऊँगा कि कैसे आप लोग पहचान सकते हैं, तो वो सिंबल आप लोग को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये क्यों क्यों से इसका जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेटर भी लिखा रहता है। क्यों का मतलब जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सर्किट ब्रेकर है। यानी कहीं भी अगर सर्किट ब्रेकर MCB वगैरह जो है लगा रहता है, MCCB लगा रहता है, वहाँ पे क्यों लिखा रहता है, तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं सर्किट ब्रेकर का सिंबल ये है। जो सर्किट ब्रेकर जो होता है अलग अलग टाइप का होता है, MCCB होता है, MCB होता है, ELCB होता है, RCCB होता है, लेकिन उसका सिंबल जो है ऐसे आप लोग को इसे मिलता जुलता रहेगा। तो आप लोग ऐसे अगर कहीं देखते हैं तो समझ सकते हैं कि वो सर्किट ब्रेकर होगा। फिर अगर आगे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सिंबल अगर आप लोग को मिलेगा तो ये जो है ड्रॉ आउट का है, आप लोग देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है आप लोग देख सकते हैं इसमें जो है कुछ भी ये लेटर का कोड नहीं है। फिर आगे अगर आप लोग देखेंगे तो ये आइसोलेटर है, सिंपल सा है, तो ये भी क्यों से डिनोट किया जाता है आप लोग देख सकते हैं, ये आइसोलेटर। फिर आप लोग देखेंगे ये जो क्या है स्विच है, स्विच भी क्यों से डिनोट किया जाता है। यानी ब्रेकर है, आइसोलेटर है, ये भी क्या है हमारा ब्रेकर है, स्विच भी क्या होता है ब्रेकर होता है, तो ये पूरा क्यों से जो है अगर आप लोग देखेंगे डिनोट किया जाता है। आगे जो है ये क्यों आप लोग देख सकते हैं, ये एक सिंबल है सेम जो है इसके जैसा है, लेकिन इसमें लोग देखेंगे ऊपर जो है एक लाइन लगा हुआ है, तो ये डिसकनेक्टेड स्विच है। यानी जो अगर ये जो है स्विच हो गया, ये डिसकनेक्टेड है, अलग होगा तो ये आप लोग को दिखेगा, यानी जो है लोग देख सकते हैं। फिर आगे जो है आप लोग देखेंगे फ्यूज़ है, फ्यूज का आप लोग सिंबल जाएंगे तो ऐसे दिखने को मिलेगा। फिर जो है फ्यूज स्विच है, यानी फ्यूज के साथ स्विच रहता है, वो जो है आप लोग को ऐसे दिखेगा, फ्यूज स्विच जो है आपको ऐसे दिख जाएगा। फिर ये जो है आप लोग देख सकते हैं मैग्नेटिक ओवर करेंट का जो साइन होगा ऐसे होगा, ओवर करेंट जो होता है उस पर, ये थर्मल ओवर करेंट जो होता है उसका जो है ये साइन होता है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये साइन से आप लोग पहचान सकते हैं। आगे जो है अर्थ लीकेज MCB है, तो इसका सिंबल आप लोग को ऐसा दिखने को मिलेगा, अगर ऐसे देखते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि अर्थ लीकेज का होगा। फिर NC लिमिट स्विच है, तो NC इसको LS से जो है डिनोट किया जाता है शॉर्ट में, ये जो है ऐसे दिखेगा। NO लिमिट स्विच आप लोग देख सकते हैं, ये NC था, यानी आप लोग यहाँ पर देखेंगे NC है सटा हुआ है, ये जो है अलग है, तो सिंपल सा NO लिमिट स्विच हो गया। यानी इसमें सिंपल सा क्या है, जो स्विच होता है उसी के ऊपर जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है एक त्रिभुज जैसा बना हुआ है, तो NC रहेगा तो ये सटा हुआ रहेगा, NO रहेगा तो बाहर रहेगा। फिर आगे जो है देखेंगे सेलेक्टर स्विच, ये SSS डिनोट किया जा रहा है, तो ये मैनुअल ऑटो हैंड के लिए अगर आप लोग जाते हैं तो ऐसे जो है स्लॉट ऑटो सेलेक्टर स्विच मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है फ्लोट स्विच, फ्लोट स्विच जो है सम पंप वगैरह जो होता है उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा, या कहीं भी टैंक वगैरह जो होता है उसका लेवल वगैरह मेजर करने के लिए, या हम लोग पंप को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए जो है ये यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ऐसा सिंबल मिलेगा। नेक्स्ट जो सिंबल है अगर आप लोग देखेंगे तो ये KM यानी कंट्रेक्टर का है, कंट्रेक्टर का सिंबल जो है ऐसा होता है। फिर ओवरलोड रिले का आप लोग देखेंगे, यहाँ पे ओवरलोड रिले अगर रहेगा तो ऐसा साइन आप लोग को मिलेगा। फिर नेक्स्ट जो है चेंज ओवर कॉन्टैक्ट NO NC आप लोग देख सकते हैं, ये NC है ऐसे हो जाएगा तो NO हो जाएगा, तो कहीं भी अगर आप लोग जाते हैं ऐसा स्विच आप लोग को देखने को मिलेगा, या तो NO होगा या NC होगा, तो चेंज ओवर स्विच होता है। ये NC कॉन्टैक्ट है आप लोग देख सकते हैं, सटा हुआ है NC है, ये जो है अलग है NO है, तो NO NC आप लोग को देखने को मिलेगा। फिर ऑन डिले इनर्जाइज NC कॉन्टैक्ट, ऑन डिले टाइमर जो होता है अगर आप लोग जाएंगे तो उसमें ऐसे देखने को सिंबल मिलेगा, तो ये NC होता है। वैसे जो है ऑफ डिले एनर्जाइज NO कॉन्टैक्ट, यानी ऑफ डिले टाइमर जो होता है उसमें अगर आप लोग जाएंगे तो ऐसे आप लोग को देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट जो है ओवर ऑफ डिले डी एनर्जाइज NC कॉन्टैक्ट, यानी
ऑफ डिले डी एनर्जाइज, यानी ये आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग को सिंबल जो है एनर्जाइज रहेगा, तो ये आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड है डी एनर्जाइज, तो ये एन सी है, डी एनर्जाइज है तो ये इस साइड है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑफ डिले डी एनर्जाइज, तो आप लोग देख सकते हैं एक जो होता है ऑन डिले टाइमर होता है, एक जो होता है ऑफ डिले टाइमर होता है, तो वही जो है ऑफ डिले में जो है दोनों का फंक्शन जो है अलग अलग होता है, इसलिए जो है इसमें ये दोनों एक दूसरे का उल्टा काम करता है, उल्टा होता है, तो इसीलिए जो है इसमें जो है अगर सिंबल भी अगर आप लोग देखेंगे तो उल्टा है। उल्टा सिंबल क्या है, ये इसमें आप लोग देख सकते हैं, अगर राइट साइड में ये साइन है तो डी एनर्जाइज है, और ये जो है एनओ, एनओ एन सी सेम है आप लोग देखेंगे, लेकिन ये सिंबल चेंज है, आप लोग देख सकते हैं इधर है तो एनर्जाइज है ऑन डिले, और ये ऑन डिले डी एनर्जाइज। तो पुश बटन जो होता है ये क्या होता है, टीवी से डिनोट होता है। फिर कंट्रोल रिले कॉइल, ये जो है रिले का कॉइल आप लोग देखेंगे, A1 A2 जो होता है ऐसे आप लोग को दिखेगा, कंट्रोल का रहेगा, तो रिले ऑन डिले टाइमर कॉइल, रिले का ऑन डिले टाइमर का कॉइल अगर रहता है तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे ऑन डिले का कॉइल रहेगा तो उसका सिंबल ऐसे रहेगा, ये जो है इसमें आप लोग को दिख रहा होगा ये ऑन डिले का, ऑफ डिले का अगर आप लोग देखेंगे रिले ऑफ डिले टाइमर तो ये रहता है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे फुल्ली जो है ये डार्क है पूरा फुल जो है, तो ये ऑफ डिले हो गया ऑन डिले। इसमें जो है कहीं कहीं पर रिले जो होता है वहाँ पर सेटिंग करना होता है कि ऑन डिले पर चलाना है या ऑफ डिले पर चलाना है, तो वैसे जो है आप लोग को उसमें कुछ फंक्शन रहता है, एक ही रिले होता है, मल्टी फंक्शन रिले अगर होगा तो अगर आप लोग वहाँ पर जाएंगे तो आप लोग को ऐसा जो है रिले का जो है कॉइल देखने को मिल जाता है, या सेटिंग जो है ऐसा सिंबल रहता है उसमें फंक्शन सेट किया जाता है, तो इससे भी हम लोग पहचान सकते हैं। फिर आगे जो है अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है MX शंट ट्रिप, MX का मतलब है शंट ट्रिप है, जो हमारा NCCB होता है या ACCB होता है वहाँ पे अगर आप लोग जाएंगे तो शंट ट्रिप जो रिले होता है उसके अंदर हम लोग शंट ट्रिप रिले यूज करते हैं किसी कारण से इमरजेंसी स्टॉप वगैरह के लिए, तो उसके लिए ये आप लोग देख सकते हैं उसका जो है ये सिंबल है। फिर अंडर वोल्टेज रिलीज, अंडर वोल्टेज का रिले वगैरह होगा या रिलीज होगा उसका ये साइन होगा। फिर आप लोग देखें क्लोजिंग कॉइल का ये सिंबल होगा, ओपनिंग क्लोज जो कॉइल है उसका सिंबल ये रहेगा। फिर इंडिकेशन लैंप का आप लोग देख सकते हैं ऐसा आप लोग को मिलेगा, वोल्ट मीटर का, एम मीटर का, सिर्फ सिंपल साइज में वोल्ट मीटर एम मीटर लिखा रहता है। फिर आगे जो है फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्ज का आप लोग देख सकते हैं, पावर फैक्टर का मीटर, सिर्फ ये मीटर आता है, साइन ऐसे लिखा रहेगा, मीटर जो है अलग अलग कंपनी का अलग अलग जो है बनावट का रहता है, अलग अलग मेड का रहता है। किलोवाट मीटर आप लोग देख सकते हैं, किलोवाट आवर मीटर आप लोग देख सकते हैं सेम है। कैपेसिटर के लिए आप लोग देखेंगे ये सिंबल रहेगा, रेक्टिफायर के लिए ये, या डायोड इसको कह सकते हैं। फिर आगे जो है हीटिंग रजिस्टर, ये जो है रजिस्टर का है, हीटर वगैरह जो होता है उसका जो है सिंबल रजिस्टर का ऐसा रहता है। फिर आगे जो है अगर आप लोग देखेंगे तो आगे आप लोग को और जो है मिलेगा, लास्ट जो है ये लाइन है लोग देखेंगे तो मोटर का अगर साइन होगा 3 फेज का आप लोग देख सकते हैं तो ये साइन मिल जाएगा। फिर सिटी का करेंट ट्रांसफार्मर जो होता है उसका साइन ये मिल जाएगा, वोल्टेज ट्रांसफार्मर का साइन जो है आप लोग को ऐसा मिल जाएगा। फिर आगे जो है ये हॉर्न का है, ये जो है टाइमर वगैरह जो है क्लॉक का, ये आप लोग देख सकते हैं टी से हॉर्न से, इसका जो है आप लोग नाम भी देख सकते हैं, बैटरी का साइन ऐसा रहेगा, अर्थ का साइन ऐसा रहेगा, ये जो नॉर्मली आप लोग को मिलता होगा। सॉकेट आउटलेट का जो है साइन ऐसे मिलेगा आप लोग देख सकते हैं। फिर 3 फेज बस बार का आप लोग देख सकते हैं ऐसे साइन मिलेगा सिंगल लाइन में। फिर जो है न्यूट्रल बस बार का आप लोग को ऐसे न्यूट्रल रहेगा तो पहचान सकते हैं। फिर अर्थ बस बार का केवल जो होगा उसका ऐसे मिलेगा। फिर टीवी का टर्मिनल ब्लॉक जो होता है ऐसे आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये जो है जितना मैं आप लोग को बताया लगभग जो है ज़्यादातर यूज किया जाता है ड्राइंग में, तो ये जो है आप लोग को पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज जो है इस वीडियो में आप लोग को ये पूरा सिंबल पता चला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पर पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।